हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भूल कर भी ये 16 गलती मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत सारे नुकसान हो सकती है। ऐसा कि आपको इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है। तो क्या क्या गलती है इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और उसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब ITR फाइलिंग एक जिम्मेदारी है जिस प्रत्येक व्यक्ति को पूरा करना होता है। जब सब कुछ डिजिटल हो रही है तो ऐसे में करदाताओं को भी सलाह दी जाती है कि वो अपने ITR की ई फाइलिंग करे, और वो भी अपने दम पर, ताकि आपके व्यवसाय का सर्विस चार्ज ना देना पड़े। हालांकि करदाताओं को ITR फॉर्म का चयन के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, जो ज़रूरी भी है। आमतौर पर ITR दाखिल करते समय कुछ सामान्य गलतियाँ होती है, जिनसे हर करदाताओं को हर साल में बचना चाहिए। सबसे पहले और ज़रूरी बात यह है कि आपको समय पर ITR दाखिल करना चाहिए। इसके अलावा ITR फॉर्म का चयन, आय का स्रोत का खुलासा ना करने आदि पर बड़ी गलतियाँ हो जाती है, आपको इसके लिए नुकसान भी हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 16 बड़ी गलतियाँ के बारे में, जिनसे आपको ITR भरते समय बचना चाहिए। तो मैं पहले ही बता दूं कि मैंने एक जैसे गलतियों को डिफरेंस एंगल से आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझ में बहुत सारी दिक्कत ना हो। देखिए, पहला है कि समय से ITR फाइल करें। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ITR भरते समय ये ऐसे में पिछले कुछ समय से दिखा गया है कि इनकम टैक्स विभाग का पोर्टल अंतिम तारीख के समय हैंग हो जाती है या क्रैश हो जाती है। ऐसे में इन समस्याओं को बचने से के लिए समय से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अंतिम समय में फॉर्म भरने से बचें। देर से ITR भरने से आपको जुर्माना के साथ कुछ सुविधा से भी हाथ धोना पड़ सकती है, इसलिए समय से अपना ITR फाइल करें। इसका मतलब है आप समय से पहले अपना ITR फाइल करें, क्योंकि अंत समय में सभी लोग एक साथ काम करने से ई फाइलिंग वेबसाइट हैंग और उसके साथ क्रैश भी कर सकते हैं। सॉरी, गलत ITR फॉर्म चुनना। विभिन्न तरह की टैक्स पेयर के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भी निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर देखा तो ITR 1 उन लोगों के लिए है जिनके कमाई सालाना 50 लाख रुपये तक ही है, और उनकी कमाई हाउस प्रॉपर्टी या अन्य सोर्स से आती है। ऐसे इसी प्रकार ITR 3 फॉर्म बिजनेस और प्रोफेशन के जरिए कमाई करने वाले को लिए होता है। ITR 4 फ्रीलांसर्स आदि के लिए होता है। इसलिए ITR फाइल करते समय सही फॉर्म चुनना जरूरी है। अगर गलत फॉर्म भरा जाता है तो आपको द्वारा दाखिल किया इनकम टैक्स रिटर्न मान्य नहीं होगा और इनकम टैक्स नोटिस भी मिल सकता है। इसका मतलब है आपको सही ITR फॉर्म भरना है।
आय से सभी स्रोतों का सॉरी आय को आय के सभी स्रोतों का खुलासा ना करना ये एक ऐसी गलती है जो कोई वेतनभोगी व्यक्ति करती है। उन्हें रिटर्न दाखिल करते समय वेतन के अलावा आय के सभी स्रोतों का खुलासा करना होगा। आपके वेतन के अलावा अन्य स्रोतों में बैंक बचत से आय, घर के संपत्ति से किराए की आय यदि कोई है तो आपको वो बताना होगा। पूंजीगत लाभ आय, ऐसे बहुत सारी आय है, आपको बताना होगा। हम लोग सोचते हैं कि ये आय दिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको सभी आय का स्रोत बताना होगा। आपको जो जो इनकम है, सैलरी है, सैलरी के अलावा और जो जो भी है, आप कोई प्राइवेट में पार्ट टाइम क्या जॉब करते हैं तो उसके बारे में आपको बताना होगा। फॉर्म 26 ए डिटेल और अन्य TDS प्रमाण पत्रों में अलग जानकारी अपने सभी TDS प्रमाण पत्र जैसे फॉर्म 16, बैंकों से ब्याज प्रमाण पत्र, फॉर्म 16A संपत्ति के बिक्री पर TDS प्रमाण पत्र, फॉर्म 16B को एक साथ रखने का सलाह दी जाती है। ये जांचना भी उचित है कि आपको फॉर्म 26S में एंट्रीज के साथ क्या आपका पैन पर सही TDS काट लिया गया, फॉर्म 26S के कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट है जो सभी स्रोतों से आपको पैन और घटाए गए TDS को दर्शाता है। आप सुनिश्चित करें कि मूल्य की कोई गड़बड़ी ना हो, अगर है तो आपको कटौतीकर्ता को तुरंत सूचित करना होगा। इस संबंध में इसी गड़बड़ी के बाद आप TDS पर टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है 26S के साथ आपका सभी जो अन्य फॉर्म है, मतलब फॉर्म 16 है, फॉर्म 16A है और कोई संपत्ति बिक्री है, क्या इंटर सर्टिफिकेट, सभी को आप जरूर मैच कीजिए, उसके बाद इनकम टैक्स फाइल कीजिए। इसके बाद है सभी बैंक खातों से मिलने वाले ब्याज का बताएं। ध्यान दें कि आप कुछ भी आयकर विभाग से नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि आपका पैन कार्ड हर खाते से जुड़ा होता है, तो ऐसे में आपके सारी इनकम डिटेल्स पता लग जाता है। इसलिए सभी बैंक खाते से जो भी ब्याज मिलता है उसके जानकारी फॉर्म भरते समय बहुत ज़रूरी है। मतलब है आपको जितने सारी बैंकों से आपको ब्याज मिलता है, ऐसे कि पोस्ट ऑफिस में जितना आपको ब्याज मिलता है उसके बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि आपका सभी अकाउंट से पैन कार्ड लिंक्ड है तो आयकर दफ्तर को वो पता लग जाती है। इसके बाद है कटौती का क्लेम सही ढंग से ना करना, ऐसे हो सकता है कि आप एम्प्लॉयर को कर बचत निवेश प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं और इसलिए ये डिटेल्स आपको फॉर्म 16 में दर्ज नहीं की गई। हालांकि भले है कि एम्प्लॉयर को निवेश की जानकारी नहीं दी गई, फिर ही ITR दाखिल करते समय टैक्स रिल की क्लेम किया जा सकता है सहायक दस्तावेज के रूप में निवेश का विवरण रखें, ताकि इस कटौती का क्लेम किया जा सकेगा। तो क्या है कि आपको अपना सभी जो बचत है उसके बारे एम्प्लॉयर को बताना होगा, क्योंकि वो फॉर्म 16 में इसको अपडेट करें। इसके अलावा आपके भी और भी रास्ते हैं कि आप इनकम टैक्स फाइल करते समय ये जरूर दीजिए आपका बचत के बारे में जो आपको एम्प्लॉयर को नहीं बताया है, लेकिन उसके आपको प्रमाण पत्र दस्तावेज होना चाहिए। इसके बाद है एसेट बेचने पर कैपिटल गेंस का डिक्लेरेशन। ITR फाइल में पूंजीगत संपत्ति का बिक्री, खरीद या इस पर किए गए खर्च में बारे में जरूर जानकारी दीजिए। अगर टैक्स पेयर पूंजीगत संपत्ति के बेचकर इन्वेस्ट करने के दावा करते हैं तो भी उन्हें इन्वेस्ट की पूरी जानकारी देने होती है। इसका मतलब है आपको
कोई भी संपत्ति बिक्री होने पर जो फ़ायदा होता है और उसी फायदे मतलब उसी अमाउंट को आप फिर से इन्वेस्ट किया है तो उसके बारे में भी आप ज़रूर बता दीजिए, क्या कि इसको नहीं छुपाना चाहिए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ब्याज के बारे में भी जानकारी दीजिए। पहले मैं बता दिया है कि आपको सभी अकाउंट से मिलने वाले ब्याज के बारे में बता दीजिए, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताऊंगा कि फिक्स डिपॉजिट और उसके साथ सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस स्कीम, बॉन्ड्स या अन्य इन्वेस्टमेंट से आपको जो ब्याज मिलता है उसकी जानकारी दीजिए। सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज टैक्स कटौती के लिए योग्य होता है, तो वो भी 10,000 रुपये है 80 TTA के अंतर। 60 साल के कम उम्र के लोगों के लिए 10,000 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। FD पोस्ट ऑफिस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज की बात करें तो इसमें 50,000 रुपया तक की टैक्स छूट मिलती है। नाबालिग की इनकम की जानकारी, अगर टैक्स पेयर के नाबालिग बच्चों के नाम पर कोई भी निवेश किया है तो इस पर भी ब्याज उन्हें इनकम के तौर पर दिखाना होता है। इसके आमतौर पर उस अभियोग के साथ जोड़ा जाता है जिनके इनकम ज़्यादा होती है। टैक्स पेयर 2 बच्चों के लिए 1,500 से 1,500 रुपये तक की कमाई पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है आप अपने बच्चे के लिए कोई इन्वेस्ट किया है तो उसके जरिए जो आपको इनकम होता है उसको आप अपना इनकम से जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें 1,500 1,500 मतलब 2 संतान के लिए आपको 3,000 रुपया टैक्स छूट मिल सकते हैं। इसका सभी बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी देना, इसके मतलब है यहाँ मैंने खासकर निष्क्रिय अकाउंट के बारे में बताऊंगा। एक टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपने सभी बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी दीजिए, ये मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन ये है कि आपके कोई निष्क्रिय अकाउंट है तो उसके भी जरूर दिखा दीजिए। टैक्स पेयर कोई भी आपका कोई भी अकाउंट है जिसको आप जिन आप नहीं काम करते हैं वो निष्क्रिय हो गया है, मतलब आपका क्लोज्ड हो गया है लेकिन आप उसके लिए आवेदन नहीं किया है, बैंकों ने क्लोज किया है, उसके बारे में भी आपको बताना होता है। और उसी के साथ आपको जिस अकाउंट में अपना रिफंड चाहते हैं तो उसको भी आप ज़रूर दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें आपको कोई टैक्स रिफंड है तो उसमें आ सकती है। और बैंक अकाउंट लिंक होने से आपका कभी भी आप इनकम टैक्स के पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो प्री वैलिडेट मतलब है आपका जो सेविंग्स अकाउंट है आप प्री वैलिड जरूर करिए। प्री वैलिड कैसे करते हैं इसके लिए मैंने नेक्स्ट में एक वीडियो ले आऊँगा, आप जरूर चैनल देखते रहिए, वहाँ आप ये आपको मिल जाएगा। आमतौर पर टैक्स पेयर ये मानकर चलते हैं उनके द्वारा किए गए सभी डोनेशन पर 100% का टैक्स फ्री होता है, लेकिन ये सही नहीं है। कुछ डोनेशन पर केवल 50% तक आपको टैक्स छूट मिलती है। जैसे बता दूं कि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान कीजिए तो आपको 100% टैक्स छूट मिलता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान कीजिए तो आपको 100% टैक्स छूट मिलता है, लेकिन आप जो भी PM केयर्स फंड में डोनेशन करते हैं तो आपको सिर्फ 50% टैक्स छूट मिलती है। ऐसे बहुत सारी है, आपको इसके लिए मैंने नेक्स्ट में एक वीडियो ले आऊँगा। टैक्स डिक्लेरेशन सही भरे और क्लेम करें, हमेशा अपनी कंपनी को टैक्स जानकारी का डिक्लेरेशन भरे, जो आपने डिक्लेरेशन में बताया वो साल के अंत में अगर सही प्रमाण देकर साबित नहीं करते हैं तो फॉर्म 16 उसकी जानकारी नहीं भर पाएंगे, लेकिन आप सही प्रमाण देकर बाद में ITR क्लेम कर सकते हैं। हमेशा सही निवेश जानकारी दें, सिर्फ इसलिए कि सैलरी के TDS नहीं काटे, आप पहले भी तो कुछ भी निवेश दिखा थे लेकिन बाद में गलत और पूरे निवेश प्रमाण देने की
वजह से आपको एक साथ नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंने इस पॉइंट को पहले बता दिया है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ ये बता दूँगा कि आप प्लीज़ आपको जो क्लेम है, जो डिक्लेरेशन है, सही ढंग से प्रमाण कीजिए, क्योंकि आप दिखा देते हैं एम्प्लॉयर को पहले जे मैंने यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन बाद में दिखा जाता है कि आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं किया। और ऐसे में हो सकता है कि आप 50,000 इन्वेस्ट करने का वादा किया है, लेकिन बाद में देखा जाता है आप वहाँ 50,000 रुपया नहीं इन्वेस्ट किया है। ऐसे में आपको बहुत दिक्कत आ जाती है, ये यहाँ से बात है। मैंने पहले ही बोला दिया है कि एक ही गलती को मैंने विभिन्न एंगल से बताऊंगा। वहाँ मैंने बता दिया कि आप सही ढंग से भरिए, क्योंकि आपको फॉर्म 16 अपडेट करना सही हो जाए। यहाँ मैंने बता दिया कि आप जो दावा किया है पहले वादा किया है जो मैंने ये इन्वेस्ट करूँगा, बाद में वो ज़रूर कीजिए, नहीं तो आप फिर से वो उसका सरेंडर कीजिए, मैंने ये नहीं कर पाया। इसके बाद है कि अगर आपके कोई विदेशी संपत्ति से इनकम बैंक खाता है तो आप उसका जिक्र अवश्य कीजिए। हमेशा किसी सीए या टैक्स एक्सपर्ट के जानकारी से ही आईटीआर फाइल करें, क्योंकि कोई जांचें टैक्स संबंधित ऐसे होती है आप टैक्सपेयर आम टैक्सपेयर को समझ नहीं आती है। इस समय पर टैक्स भरें और पेनल्टी से सुरक्षित। देखिए इसके बाद इसका मतलब यह है, कई सारी ऐसे धारा है हम लोग जैसे आम टैक्सपेयर को समझ नहीं आती, इसके लिए आपको कोई टैक्सपेयर से हेल्प लेना चाहिए, नहीं तो आप नहीं समझ सकते तो आप टैक्सपेयर से खुद कर सकते हैं। इसके बाद है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं करना है तो आप कुछ लोग को ऐसा सोचता है कि मुझे इनकम टैक्स फाइल नहीं करना है, मैंने टैक्स के दायरे से बाहर है, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये डिपॉजिट किया है, या विदेश ट्रैवल पर 2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किया है, या किसी के 1 लाख रुपये से ज़्यादा बिजली बिल आया है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न करना चाहिए। साथ ही अगर कोई नागरिक भारत से बाहर किसी संपत्ति का मालिक है तो उसके रिटर्न दिखाना दाखिल करना होता है। इसका मतलब यहाँ 4 पॉइंट आता है। यदि आप अपना अकाउंट में 1 करोड़ रुपया का लेन देन करते हैं, या आप 2 लाख रुपया से ज़्यादा खर्च विदेश यात्रा में करते हैं, या आपका बिजली बिल 1 लाख रुपया से ज़्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना होता है। आपका सैलरी इनकम नहीं होने पर भी ये करना होता है, और आपके विदेश में संपत्ति है तो आपको ये करना होता है। रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफिकेशन में देरी होगा, मतलब है रिटर्न भरने के बाद इसका ई वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिटर्न ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो इसका इनकम टैक्स का प्रक्रिया अधूरी होता है। टैक्सपेयर के पास रिटर्न के वेरीफाई करने के लिए 2 तरीका होता है। पहला है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद इसकी वेरीफिकेशन रसीद आप 120 दिन के अंतर CPC में अर्थात सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर में भेज दीजिए बेंगलुरु में। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, जीमेल, आधार नंबर के जरिए ई फाइलिंग कर सकते हैं। ई फाइलिंग कैसे करते हैं इसके लिए मैंने नेक्स्ट में वीडियो ले आऊँगा, प्लीज़ वो ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद है अंतिम तारीख का इंतजार करना। मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन ये ऐसे ज़्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 31 अगस्त तक इंतजार करती है। आखिरी समय तक जल्दबाजी में चक्कर में गलतियाँ होने का गुंजाइश ज़्यादा रहती है। इतना ही नहीं, किसी तरह की गलती होने पर आपके उसे सुधारने के समय भी नहीं होता है। सरकार ने रिटर्न भरने के ऑनलाइन
फाइलिंग प्रक्रिया के आसान बनाया है। इसलिए आप किसी भी गलती से बचना चाहिए, तो आखिरी तारीख का इंतज़ार मत कीजिए, पहले आप कीजिए ये पॉइंट को। तारीख अंतिम तारीख का इंतज़ार ना करें, इसी पॉइंट को मैंने दो बार बताया है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अंत तक अपेक्षा करते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे नुकसान होता है, ऐसे कि आपका कोई गलती है तो आप सुधार नहीं सकेंगे, कोई भी फ़ायदा किसी से फ़ायदा आपको नहीं मिलेंगी। और पहले मैंने बता दिया है कि वेबसाइट क्रैश और हैंग हो सकती है। इसके साथ ही बता दूं कि इस साल कोरोना के कारण अंतिम तिथि, इनकम टैक्स की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक की गई है। इसमें आपको इसके अंदर आपको ये फाइलिंग करना है। मेरा वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। प्लीज़ ध्यान से देखिए और सुनिए, और उसी के साथ आप अपना फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी ये जानकारी होना चाहिए क्या क्या गलती नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ मेरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।